नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। और आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है द सीक्रेट, और इसको लिखा है रोंडा बायरन ने। और ये पुस्तक में उन्होंने एक सब्जेक्ट, एक विषय, एक जो एंगल है उसके बारे में बात की है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, असरकारक है, और आपका जीवन जो है वो बदल सकती है। तो इसको मैं बहुत संक्षिप्त में अच्छे तरीके से बताऊंगा। आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से सुने, एंड तक सुने, और इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने कमेंट्स रखें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, मेरी चैनल को। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जो मेरे आसपास है, जो मेरा विस्तार है वो बढ़ता रहे, और मैं अपने नेटवर्क में जो लोग हैं उनके विचारों को, उनकी बुद्धि को, उनके सोच को मैं जगा सकूं, एक ट्रिगर कर सकूं, एक चेतना ला सकूं, और जीवन में बिजनेस के या एंटरप्रेन्योरशिप के या अपने प्रोफेशन के या अपने कोई लाइकिंग के सब्जेक्ट के ऊपर आप काम करें और बहुत एक अच्छी तरीके से काम करें, ये मेरा उद्देश्य है। तो इसको हम शुरू करते हैं। एक पंक्ति में अगर इसकी समरी देनी हो तो द सीक्रेट या रहस्य, हिंदी में रहस्य टाइटल है बुक का, ये एक्सप्लेन करता है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारी सोच को, एक्शन को एक दिशा देता है। और हमें कुछ भी अगर लाइफ में अचीव करना है तो उसकी सोच या उसका विचार या उसकी अपेक्षा बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके चार पार्ट है छोटे छोटे जो मैं आपके समक्ष रखता हूं। एक के जीवन में सबसे जो मजबूत या स्ट्रॉन्ग रूल है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आप जो सोचते हो, आप जो विचार करते हो वो आपके सामने आता है और आप उसको फेस करते हो, आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को करेक्ट करो, अपनी सोच को करेक्ट करो। जो आप चाहते हो, जो आप अपेक्षा करते हो, जो जिसकी आपको एक इच्छा है, उस चीज के, उस सिचुएशन के, उस व्यक्ति के, उस पोजीशन के, उस लाइफ के एक प्रभाव के, एक पड़ाव के आप विचार करें। दूसरा पार्ट ये कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है अगर आपने पॉजिटिव सोचा, अगर आपने सकारात्मक सोचा, अगर आपने हामी भरने वाली कोई चीज, बात या समय या सोच सोची। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको इसका कभी भी फायदा नहीं होगा, ये नुकसान ही करेगा, ठीक है। तीसरा कि अगर आप जो सोचते हो, आप जिसके बारे में सपने देखते हो या जिसका विचार करते हो, उन विचारों को, उस सोच को आपने मांगना पड़ेगा। मांगना किसे है? तो यूनिवर्स से मांगना है आपने कि भाई, और सच्चे मन से मांगना है, और फिर अपनी मांग पे, अपने विचार पे, अपनी अपेक्षा पे आपको पूरी तरह, पूरे एक हृदय से आपको उस पे भरोसा करना है। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहले आपने सोचना है, सोचना हुआ मांगना है, और जो सोचा हुआ है और जो मांगा हुआ है उसके ऊपर आपने 100% भरोसा करना है। और जब आप इस दोनों स्टेप्स को प्रॉपरली डे इन डे आउट करोगे तब वो चीज आपके सामने आना शुरू होगी जो आपने मांगा है, जो आपने चाहा है, जो आपने अपेक्षा की है, और फिर उसको आपने रिसीव भी करना है।
रिसीव के मन ले, अगर आपने चाहा कि मुझे पैसे मिले या अगर मुझे ये कोई परिस्थिति ऐसी हो, तो आपने एक तो नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, आपने पॉजिटिव थॉट रखना है, बिलीव करना है और उसको आने देना है। अब वो जब आ रहा है तब आप मुंह फेर के यहाँ वहाँ देख लो, या आपने कोई गलत शब्द बोल दिया या गलत विचार ला लिया, तो वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। और ये सब जो विचार है, मांगना है, भरोसा करना है, ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। जो असल पार्ट ऑफ द स्टोरी है, आपको उसके प्रति मेहनत करनी है, उसके प्रति काम करना है। ये जो विचार है, सोच है, ये मांगना है या भरोसा करना है, ये आपको एक दिशा देगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी इनकम जो है वो साल की 1 लाख रुपए ना होते हुए 10 लाख की हो जाए। तो वो 10 लाख की करने के लिए मुझे 1 लाख से 10 लाख का जो सफर है वो खुद को सोचना होगा, तय करना होगा और काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, जब तक मैं 10 लाख पे ना पहुंच जाऊं। ये सिर्फ मैं सोच के कि मुझे 1 लाख से 10 लाख में पहुंचना है, मैं सोचता रहूं, मांगता रहूं, भरोसा भी करूं, हाँ मिल जाएगा, पर वो आएगा तभी जब मैं उसके ऊपर काम करूं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करूं, तभी जाके वो चीज हकीकत बनेगी। आप 1 लाख से ऊपर उठोगे, 200% गारंटी है, आप 1 लाख से ऊपर उठोगे, 10 लाख तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग सकता है या फास्ट हो सकता है, ये पूरा डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। एक बहुत बड़े साहब है, गैरी वी नाम है उनका, वो कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओनली वर्क्स इफ यू डू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप काम करोगे, आप उसके ऊपर काम करोगे, उसके साथ काम करोगे, उसके लिए काम करोगे। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को, एक छोटा सा वीडियो है, इसे समाप्त करता हूँ। और ये बुक बहुत क्रिस्प है, छोटी है और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है रोंडा ने। और इसको अगर आप बाय करना चाहते हो अलग अलग भाषा में, हिंदी में, तमिल में, मराठी में, मलयालम में, गुजराती में, इंग्लिश में, तो मैंने लिंक्स नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि आप इस बुक को बाय करें, पढ़ें, बार बार पढ़ें। ये आपके एक डेली एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए, तभी आप देखो कि आप जहाँ पे हो अभी, वहाँ से आप उठोगे, वहाँ से आपके लाइफ में चेंज आना शुरू होगा। खाली ये वीडियो आपने सुना, इससे भी एक सोच में फर्क आएगा। इस बुक को आप ले और पढ़ें, और पढ़ने से आपको डेफिनेटली 200% चेंज आना शुरू होगा, आपको एक दिशा मिलेगी, एक ग्रोथ मिलेगी लाइफ में, और निश्चय ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसी इच्छा के साथ, इसी मनोकामना के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। खूब खूब धन्यवाद, शुभ मंगल कामना, थैंक यू।